कुछ ऐसे पैटर्न जिसमें आपको डिफरेंसेस समझने में काफी मुश्किल होती होगी, और कुछ कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं स्पेशली N3 में, N2 में, या फिर मैं कहूँगा N4 में भी, जिनमें आपको ये लगता होगा कि ये ग्रामर पैटर्न बिल्कुल दूसरे ग्रामर पैटर्न से सिमिलर है और बिल्कुल इसका मीनिंग भी, इंग्लिश मीनिंग भी सेंटेंस में एज इट इज फिट होता है, तो फिर क्यों ना इसको रिप्लेस किया जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता जापानीज लैंग्वेज में। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि ये ग्रामर पैटर्न का इंग्लिश मीनिंग तो बिल्कुल सेम है दूसरे ग्रामर पैटर्न से, लेकिन इसका यूजेज अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हज और बेकी पैटर्न से। देखिए दोनों पैटर्न्स बिल्कुल सिमिलर हैं अगर इंग्लिश मीनिंग देखा जाए तो। देखिए डिफरेंस उन्हीं चीज़ों में देखा जाता है जिसमें कुछ सिमिलैरिटी हो। अगर हम ये कहें कि मोबाइल फ़ोन और चावल में क्या डिफरेंस है तो कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि किसी चीज़ में सिमिलैरिटी हो जैसे गेहूं और चावल, तब हम देखें कि डिफरेंस क्या है, तो ही मज़ा आता है, तो ही सही लगता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इनकी सिमिलैरिटी क्या है। हज और बेकी अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इन दोनों का मतलब है इट शुड बी, जैसे कि आप देख रहे हैं इंग्लिश मीनिंग है इन दोनों का इट शुड बी, यानी कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है डिफरेंस की, तो होना चाहिए का मतलब है या तो ये किसी ड्यूटी के तहत होना चाहिए, मतलब हमारा कोई कर्तव्य है ऐसा होना चाहिए, जैसे हमें रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी चाहिए, तो एक तो हो गया ड्यूटी वाला जो कि होता है बेकी, और एक होता है कि ऐसा होना चाहिए पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जैसे आज टीवी में हमें कहा था कि भाई बारिश होगी, बादल वादल होंगे, तो बादल होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी होती है, इसमें ड्यूटी नहीं होती, तो उसमें आता है हज। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे हज और बेकी का। पहले इसका इंग्लिश मीनिंग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड बी, सपोज टू बी, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, और बेकी में इट शुड बी, यानी कि एक तरह की ड्यूटी है, एक तरह का हमें हमारा कर्तव्य है कि हमें करना चाहिए, मॉरली भी हो सकता है, लीगली भी हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है या किसी रूल के तहत हो सकता है, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने रूल बनाया है तो उसको हमें मानना है, तो हमारी ड्यूटी है, तो इसमें बेकी आना है। या फिर हमें जैसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, तो एक तरह की मॉरल ड्यूटी के तौर पर आता है। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहले दो सेंटेंस जो है वो हज पैटर्न को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं, तनाका सान वा मिक्का नो क्यू काओ तो तकारा, यानी कि तनाका सान ने 3 दिन की छुट्टी ली है। इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ, क्यू के और क्यू का, क्यू के होता है 5-10 मिनट का ब्रेक और क्यू का होता है 1-2 दिन की छुट्टी। तो जैसे तनाका सान ने 3 दिन की छुट्टी ली है, क्यों वा काइशानी कोनाई हजदा, यानी कि आज वो कंपनी में नहीं आएंगे। हज यहाँ पर हज पैटर्न आएगा क्योंकि ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई ड्यूटी का सेंस नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी की सेंस है कि ही इज़ नॉट सपोज टू कम, मतलब वो नहीं आएंगे, ऑब्वियसली हमें सबको ये पता है ही शुड नॉट कम, ठीक है। तो इस तरह से हमें हज पैटर्न को ड्यूटी के तौर पे सोचना है, सॉरी पॉसिबिलिटी के तौर पे सोचना है, और बेकी पैटर्न को जो आगे आने वाला है उसको हमें ड्यूटी के तौर पे सोचना है। चलिए अब एक और सेंटेंस देखते हैं, माजी में ना यमादा सान वा। तो पहले उसने बता दिया है कि माजी में ना यमादा सान है, यानी कि यमादा सान बहुत ही सीरियस हैं, सीरियस मतलब बहुत ही ऑनेस्ट हैं, डिसिप्लिनड हैं, अपने टाइम पे काम करते हैं, सब कुछ, शरीफ आदमी जिसको हिंदी में कहते हैं वो है, उसको माजी में ना यमादा सान कहते हैं, मतलब माजी में ना ही तो कहते हैं। तो माजी में ना यमादा सान वा काइगी नी ओकुरेरू हजगानाई। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि वो मीटिंग में लेट हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हज गा नाई ये भी इस तरह से यूज़ होता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, अगेन प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब सपोज टू बी की बात हो रही है कि यमादा सान जो है वो काइगी में लेट हो जाए, ओकरेरू मतलब लेट होना, काइगी यानी मीटिंग में लेट हो जाए, हज गा नाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हज जो पैटर्न है वो पॉसिबिलिटी ले आता है। चलिए अब चलते हैं बेकी की तरफ। पहला सेंटेंस देखिए, कोत्सु किसोकु वा मामोरू बेकी दिस, ट्रैफिक रूल्स, कोत्सु मतलब ट्रैफिक और किसोकु मतलब रूल्स, तो ट्रैफिक रूल्स वा मामोरू बेकी दिस, मामोरू मतलब फॉलो करना, उसको प्रोटेक्ट करना, मामोरू का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को ना तोड़ना, जैसे प्रॉमिस को ना तोड़ना, तो याकसोकु वो मामोरू, यानी कि उसको संभाल के रखना, सेव करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको जैसा कहा गया है वैसा करना, उसको मामोरू कहते हैं।
तो ममोरू बेकी दिस, यहाँ पर बेकी इसलिए आया है क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना एक एक तरह का कर्तव्य है, एक तरह की ड्यूटी है, इसलिए कोत्सु की सोकुवा ममोरू बेकी दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ मोचा वा माज आनजेन दे आरू बेकी दिस। तो ये तो आपको आसान है, पढ़ के समझ आ गया होगा। ओमोचा का मतलब होता है खिलौना, माज का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। अभी इसके बारे में बताता हूँ। आनजेन का मतलब होता है सेफ, सेफ्टी, यानी कि हेल्थ वाइज या चोट ना लग जाए इस हिसाब से सेफ्टी, इसको आनजेन बोलते हैं। दे आरू मतलब देस, और बेकी का मतलब होता है इट शुड बी, यानी कि ऐसा होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का कंपनीज का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि ओमोचा यानी कि खिलौना, मज मज मतलब सबसे पहले, यानी कि वो खिलौना एंजॉयबल होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले वो सेफ होना चाहिए। जैसे बच्चा अगर उसको खा ले, चबा ले, या उसको अपने हाथों में ले, या कुछ भी उससे खेले, तो उसको चोट ना लगे, उसके लिए हार्मफुल ना हो, पॉइजनस ना हो। तो मज आनजेन दयारू का मतलब है सबसे पहले उसको सेफ होना चाहिए, बाद में उसको एंजॉयबल होना चाहिए, ये कहने की बात है। मज आनजेन दयारू बेकी दिस। तो इस तरह से बेकी का मतलब है कि इट शुड बी, इंग्लिश में दोनों का ही हज और बेकी का मतलब होगा इट शुड बी, लेकिन बेकी में आएगा ऐसा हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, और हज में होना चाहिए ऐसा होना चाहिए क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और ग्रामर पैटर्न जिसको हम कंपेयर करेंगे वो है किरू और अगारू। ये दोनों का ही मतलब सेम है। किसी भी वर्ब की मास फॉर्म हटा के किरू लग जाए तो उसका मतलब होता है पूरा कंप्लीट कर दिया उस वर्ब को। सिमिलरली मास फॉर्म हटा के अगारू लग जाए तो इसका मतलब होता है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हैं, इंग्लिश मीनिंग दोनों का ही बिल्कुल सेम है, लेकिन जैसे आप इसमें इंग्लिश मीनिंग में भी देख रहे हैं फुली फिनिश्ड, फुली कंप्लीटेड, लेकिन फर्क क्या है इसको हमें एग्जाम्पल्स से ही समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ये बहुत मुश्किल है, ये N3 N2 में आता है, काफ़ी मुश्किल है, बहुत बहुत कम डिफरेंस है इसमें। इसमें बहुत ही जैसे अभी बेकी और हज में मैंने बताया था कि क्लियरली उसमें पॉसिबिलिटी और उसमें कर्तव्य, इसमें ऐसा डिफरेंस बताना बड़ा मुश्किल है। मेरी पूरी कोशिश है, मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की क्या डिफरेंस है। पहले आपको फटाफट से बताता हूँ, किरू का मतलब होता है ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, बस वो कंप्लीट कर दिया है किसी भी तरह से, अब मुझे ही नहीं पता कि वो सही था नहीं था, मैंने बस पूरा खत्म कर दिया, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जबरदस्ती मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, या फिर सिंपली भाई कंप्लीट हो गया है, अब जो होना था हो गया है, अब मुझे ज़्यादा नहीं पता, ये है किरू। आगारू में होता है ये कंप्लीट हो गया है क्योंकि ये कंप्लीट होना चाहिए था, इसको मैंने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरा अच्छी तरह से, यानी कि सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और मैं खुश हूँ। तो ये थोड़ा सा बहुत ही सटल सा डिफरेंस है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है किरू और आगारू में। इसको और थोड़ा सा अच्छा मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए किरू का, कोनो होन ओ इची निची दे जेम्बू योमी किता। इस किताब को मैंने एक ही दिन में पूरा पढ़ डाला। तो योमी माश्ता मतलब पढ़ डाला, और योमी किता मतलब पूरा पढ़ डाला, फुली फिनिश्ड। तो इस किताब को मैंने एक दिन में पूरा पढ़ डाला। अब हो सकता है वो किताब बहुत बड़ी हो, मतलब 2-3 दिन में पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने एक दिन में ही पढ़ डाला, तो इसलिए योमी किता आया कि भाई ऐसा ऐसा काम जो थोड़ा सा 1-2 दिन लगते, लेकिन मैंने एक दिन में ही कंप्लीट कर डाला, थोड़ा सा जबरदस्ती के सेंस से नहीं भी हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोकोत्ता केक यो जेम्बू ताबे किता। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, यानी कि बचा हुआ केक मैंने पूरा खा डाला, यानी एक भी उसका कण, एक भी उसका टुकड़ा, एक भी उसका पार्ट बचाया नहीं, मैंने पूरा खा डाला। और इसमें भी यही सेंस है कि भाई मैं बचा सकता था किसी और के लिए भी, या फिर थोड़ा बहुत कोई और भी खा सकता था, लेकिन मैंने ही पूरा खा डाला, मैंने ही पूरा इसको खा लिया। तो एक तरह से योमी किरू, ताबे किरू, इनमें किरू में सेंस होती है कि पूरा तो कर दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा फोर्स लगा के, थोड़ा सा जबरदस्ती, थोड़ा सा एकदम दम लगा के मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगारू। आगारू जो है इसका भी यही मतलब होता है, पूरी तरह से फिनिश हो गया है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही खुश होने वाले और बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन में आता है, जैसे कि दासा नाई तो इके नाई रेपो तो काकी आगाता। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, वो कह रहा है कि भाई दासा नाई तो इके नाई, यानी कि जिसको मुझे सबमिट करना था, नाई तो इके नाई पैटर्न भी हमने जिन्होंने N5 N4 सीखा हुआ है, या N5 ही सीखा है उनको भी पता होगा, नाई तो इके नाई, या फिर नाई ना केरे बनारा नाई, इन पैटर्न्स का मतलब होता है इसको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू। तो वैसी रिपोर्ट जिसको मुझे सबमिट करना ही करना था वो काकिया गाता। तो एक खुशी की बात है, यानी कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसको लिखना कंप्लीट कर
कर दिया है। तो एक तरह से यहाँ पर काकी अगाता में एक पूरी तरह से कम्प्लीटली सक्सेसफुली फिनिश होने की बात हो रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। गोहान देखिए अगाता नो दे हयाकु तेओ आरायनासाई, यानी खाना रेडी टू सर्व है। देकी मास का मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीट होना, बनना, उसका हो सकना, पॉसिबल होना, उस चीज़ का बिल्ड हो जाना पूरा। और मास हटा के अगारी मास लगा दिया, मतलब देकी आगाता बन गया है, यानी कि रेडी टू सर्व हो गया है, अब आप इसको खा सकते हैं, पूरी तरह से फिनिश हो गया है। नो दे, इसलिए हया को जल्दी से ते ओ आराय नासाई, जल्दी से अपने हाथ धो लो। देखते हैं ऐसे हो सकता है मम्मी अपने बच्चों को कह रही हो कि अपने हाथ धो लो, खाना रेडी टू सर्व है। तो इस तरह से आगारू उन चीज़ों के लिए होता है जो कि हम चाहते थे कंप्लीट हो और वो कंप्लीट हो गई हैं। किरू होता है कि भाई पता नहीं हमें कंप्लीट करना नहीं था या करना था, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से अगर आप इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ डिफरेंसेस को भी समझ समझ के अपनी जापनीज लैंग्वेज की पढ़ाई करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, ना ही JLPT में, क्योंकि JLPT इन्हीं चीज़ों को टेस्ट करता है, चाहे वो N3 लेवल हो, N2 लेवल हो, N1 लेवल हो या N4 लेवल हो, कि आपको इंग्लिश मीनिंग तो आता है लेकिन आपको क्या सही में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस भी पता है, जो कि अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग एग्जांपल्स में यूज़ होंगे पैटर्न्स। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंसेस को भी याद कर करके आगे बढ़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके लिए हमारी वेबसाइट nihongomax.com पूरी तरह से आपको डिफरेंसेस सिखाने के लिए ही बनाई गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए बनाई गई है, तो उसका भी उसकी भी पूरी हेल्प लीजिए, उसको भी पूरी तरह से यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से अगर आप ग्रामर पैटर्न्स को थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके पढ़ाई को स्टार्ट रखेंगे, पढ़ाई को आगे आगे रिपीटेशन के थ्रू चलाते रहेंगे, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये ग्रामर पैटर्न मुश्किल है या ये बिल्कुल सिमिलर है। और इस तरह से अगर आप कंपेयर करें, N3 के पैटर्न्स को N2 से भी कंपेयर कर सकते हैं और N2 के पैटर्न्स को N3 से कंपेयर कर सकते हैं, और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को एकदम एक्यूरेट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।